ब्रिटेन ने इतिहास रच दिया है। भारतीय मूल के 42 साल के ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ब्रिटेन के हिंदुओं में इस मौके पर काफ़ी खुशी देखी जा रही है और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, ब्रिटेन में रहने वाले सभी समुदाय और धर्म के लोगों में अपने नए प्रधानमंत्री से काफ़ी आशाएं देखने को मिल रही है। मंगलवार को ब्रिटिश महाराजा चार्ल्स तृतीय ने सुनक को पीएम नियुक्त किया, जिसके बाद ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जनता को पहली बार एज अ पीएम संबोधित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी, स्टेट टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। ऋषि सुनक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार जो बातें कही हैं वो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी के चलते ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, कुछ गलतियां हुई हैं और उन्हें दुरुस्त करने के लिए ही उन्हें चुना गया है। ये प्रमुखता से बात ऋषि सुनक ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि गलतियों को ठीक करने का काम तुरंत शुरू हो रहा है। सुनक ने जनता से वादा किया है कि वो मानवता के साथ काम करेंगे, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण पर फोकस करने वाले हैं। सुनक के शब्दों के अनुसार उनकी सरकार ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी जो ब्रेग्जिट के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाए। इससे पहले सुनक को दिवाली के दिन निर्विरोध रूप से कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुना गया था। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री सुनक पिछले 210 साल में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटिश राजनीति में सिर्फ 7 सालों के सफर में ही सुनक पीएम पद तक पहुंच गए हैं। लिज ट्रस ने भी उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए मौका मिलने पर बधाई दी है। आइए आपको सुनाते हैं ऋषि सुनक को और फिर लिज ट्रस ने क्या कहा जाते जाते ये भी देख लेते हैं। योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंडचिल्ड्रन विद ए डेट टू सेटल दैट वी वर टू वीक टू पे आवरसेल्व्स। आई विल unite our country, not with words, but with action. But some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions, quite the opposite, in fact, but mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. Democracies must be able to deliver for their own people. We must be able to outcompete autocratic regimes where power lies in the hands of a few. And now more than ever, we must support Ukraine in their brave fight against Putin's aggression. Ukraine must prevail, and we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I have been striving to achieve, and I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. तो चलिए आज के इस मसले से जुड़े जो हमारे प्रश्न हैं वो हम जनता के सामने कुछ इस तरह से पेश करते हैं कि क्या ब्रिटेन में जो ऋषि सुनक है उनका पीएम चुना जाना नए राष्ट्र निर्माण का आगाज है। सवाल एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं कि क्या ब्रिटेन में ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री चुना जाना नए राष्ट्र निर्माण का आगाज है? क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन की आम जनता को महंगाई से छुटकारा दिला पाएंगे? क्या पीएम सुनक ब्रिटेन के उदार समाज का प्रमुख चेहरा बन गए हैं? क्या सुनक प्रवासी मामलों में कोई बड़ा फेरबदल लाएंगे, क्योंकि ब्रेग्जिट को लेकर प्रवासी संख्या को लेकर लगातार बातें उठती रही हैं, ये एक प्रमुख मुद्दा है। क्या पीएम सुनक के आने से भारत के साथ जो मुक्त व्यापार यानी कि एफटीए की बात हो रही है और वो फिलहाल इसमें अड़चने बनी हुई हैं, उस पर किसी तरह की सहमति बन जाएगी? ये सभी सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके जो जवाब हैं वो तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे आज के मेहमानों से, आज के एक्सपर्ट से। हम सीधा और सदा संवाद शुरू करें, उससे पहले अपने दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप भी हमारी आज की स्टेट टॉक का हिस्सा बनिए। आपकी भागीदारी से हमारी चर्चा सार्थक बनती है।
आप दर्शकों की राय और आपकी बातें ही निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अक्सर प्रोत्साहित करते हैं। कृपया अपना सहयोग यूं ही बनाए रखिए और आपके टीवी पर स्क्रीन पर जो नंबर हम बार बार फ्लैश कर रहे हैं उन पर डायल करें और अपनी बात हमारे शो के दौरान रखिए। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के पैनल में जो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जाने माने इतिहासकार हैं प्रोफेसर राजीव लोचन। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर। और साथ ही बन चुके हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने। ब्रह्मदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में चाहती हूँ कि प्रोफेसर राजीव लोचन आपसे करूँ। एक इतिहास रचा है ब्रिटेन ने और इसको उसी तरीके से देखा जा रहा है जब अमेरिका में जो है ओबामा उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था, वो नियुक्त हुए थे, तो एक बड़े बदलाव की जो बातें हो रही थी कि पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव, अमेरिका एक बहुत बड़ा बदलाव देखेगा और इसी तरह से ये सिमिलर इंसिडेंट ब्रिटेन में हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदलाव तो ब्रिटेन में हुआ है, पर जो बदलाव है वो केवल ये हुआ है कि एक हिंदू को ब्रिटेन ने अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ हमने एक सिख को चुना, हमने कभी एक ब्राह्मण को चुना। ख्याल रखिए, ब्राह्मणों की संख्या इस देश में बमुश्किल 3% है। तो हमने हमारे देश में हमने पहले पहले भी और अभी भी बड़े कम संख्या वाले लोगों को इन बड़े बड़े ओहदों पे डाला है। पर ब्रिटेन में हिंदू को प्राइम मिनिस्टर चुन लेने से ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो ब्रिटेन की समस्याएं बड़ी स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं, ब्रेक्सिट को लेके शुरू हुई हैं और ये तो केवल बढ़ती ही जाएंगी। इसमें ऋषि सुनक कितना इसको संभाल पाएंगे ये देखने की बात है। अच्छा, ये जरूर देखिएगा कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के केवल सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सबसे अमीर प्राइम मिनिस्टर भी है। तो ऐसी हालत में जहां की ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है, ऐसी हालत में ब्रिटेन के लोगों ने एक सेल्फ मेड अमीर व्यक्ति को, इनहेरिटेड वेल्थ एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है ऋषि सुनक का, अधिकांश वेल्थ उसकी खुद की बनाई हुई है, एक सेल्फ मेड व्यक्ति को चुना है। इस कंट्रास्ट में आप हमारे देश को देखिए तो हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति सफलता हासिल करता है तो हम हाय हाय करना शुरू कर देते हैं और अंबानी अडानी का राग अलापने लगते हैं। अंबानी अडानी आजकल राग अलापते हैं, इसके पहले हम टाटा बाटा किया करते थे। तो हमारे देश में लोगों को ना अपना दिमाग थोड़ा सा ठीक करके रखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स अचीव करना बहुत जरूरी है। ऋषि सुनक काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पर ये हमारी आशा है जी। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव, एक उदार समाज का एक प्रमुख चेहरा कह सकते हैं कि ऋषि सुनक बन गए हैं ब्रिटेन के, जब खासकर ब्रिटेन जैसे ये उदार उदार तो बकवास चीजें होती है। समाज चुनता है, समाज इसलिए नहीं चुनता कि समाज उदार हो गया है या अनुदार हो गया है। लोग इसलिए अपने नेता को चुनते हैं ताकि नेता कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को चुना है, अभी जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन है, ब्रिटेन की इलेक्टोरेट है, उसने नहीं चुना। अमेरिका में जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जहां की सेनेटर्स चुनते हैं, जनता का कोई हाथ नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट हिंदुस्तान में जो लोग होते हैं, कुछ लाख लोग मिलके, ब्रिटेन की आधी से ज्यादा जो जनता हो जाती है उसकी संख्या के तादाद के बराबर के लोग मिलके हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुनने में हाथ बटाते हैं। जब मोदी को चुना था तो मोदी इसलिए नहीं चुना गया था कि वो बीजेपी का कैंडिडेट है, मोदी इसलिए चुना गया था लोगों ने कहा थे मोदी है, हम मोदी को वोट डालने वाले हैं। उसी तरह से जैसे पहले लोग कहा करते थे कि हम इंदिरा को वोट डाल रहे हैं, लोग कांग्रेस को वोट नहीं डालते थे। मोरारजी देसाई कांग्रेस से हटके अपनी उन्होंने ओरिजिनल कांग्रेस बना ली, कांग्रेस ओ को कोई वोट नहीं पड़े। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में कहीं ज्यादा लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर रखते हैं और ये जात पात धर्म वर्म का नाम पे कोई चुनाव नहीं होता हमारे यहाँ। तो कुल मिलाकर अगर मैं समझूं, एक सेकंड आप ख्याल रखिए, 1952 में जब हमारे 1951-52 में जब हमारे यहाँ पहला चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 1951 को चुनाव तब हुआ था जब मुसलमानों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे एक अलग देश हमारे यहाँ बना दिया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ लोकसभा में करीब 480 के आसपास सीटें थी, उसमें 15 लोग थे जो कि मुस्लिम थे। और 1957 का जो दूसरे लोकसभा हुआ उसमें भी हमारे यहाँ 15 लोगों जो मुस्लिम थे उनको चुना गया था। तो ध्यान रखिए, हमारे देश में उदारता कहीं ज्यादा, यदि आप उदार
के हिसाब से चलना चाहते हैं तो उदारता हमारे देश में कहीं ज्यादा है जी। और ये मजबूरी है कंजर्वेटिव पार्टी की कि ऋषि सुनक को चुनाने, अगर मजबूरी नहीं होती तो लिज ट्रस को पहले एफर्ट में नहीं चुना जाता। कल मैं डेली टेलीग्राफ पढ़ रहा था, डेली टेलीग्राफ ब्रिटेन के बड़े हेवी सर्कुलेशन वाले न्यूज़पेपर्स में एक है, बड़े ओपिनियन पीसेज वाले अखबारों में से एक है, उसकी हेडलाइन थी कि ब्रिटेन ने अपनी सॉवरेनिटी खो दी है और सॉल्वेंसी के लिए सॉवरेनिटी को किराए पे रख दिया है। जी, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा था हेडलाइन। जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि ये किस तरह का जो ब्रिटेन है बदलाव की बातें करता है या फिर उम्मीद करता है, और राष्ट्र का नेतृत्व एक ऐसे नेता को दिया गया, उसके बाद इस तरह से जो वहाँ पर मीडिया है वो इस तरह से यहाँ पर एडिटोरियल या फिर हेडलाइन जो है वो छाप रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है प्रोफेसर, ब्रेक पर जाते हैं और वापस लौटेंगे तो प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ बने हुए, उनका भी जो उनकी बात सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस घटना पर, क्योंकि ये घटना कहा जा रहा है कि इतिहास रचा गया है ब्रिटेन की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और ऋषि सुनक ने इतिहास रचा है और अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है, लिज ट्रस के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर, आपने राजीव लोचन को सुना कि वो कह रहे हैं कि उदारवाद का कोई जो है बड़ा सबूत या फिर नमूना पेश नहीं किया है ब्रिटेन ने, और वहाँ के जो अखबार हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि क्या मजबूरी है कि सुनक को राष्ट्र का नेतृत्व सौंपा गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं, सुनक ने इतिहास रचा है लेकिन ये क्या ब्रिटेन की मजबूरी है और मजबूरी का चेहरा है? देखिए नेहा जी, इसको अलग अलग तरीके से देखना बहुत जरूरी है। हालांकि राजीव लोचन साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब दुनिया में दक्षिणपंथी सरकारों का उभार हो रहा हो, जब दुनिया में दक्षिण पंथ को उभारा जा रहा हो, वहां पर यदि जो ब्रिटेन जैसा एक दक्षिणपंथी राष्ट्र है जो नस्लवाद का प्रतीक भी है, वहां पर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाना, नियुक्त किया जाना कहना चाहिए, यह जो है बहुत बड़ी घटना इस मायने में भी है कि अंततः यदि मजबूरियां हैं यूरोपियन समाज के सामने या ब्रिटेन समाज के सामने तो वह किसी का नेतृत्व भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन वहीं पर एक बात यह भी देखी जाना चाहिए कि जो ब्रेग्जिट के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, और आप देखिएगा कि टेरेसा के बाद जॉनसन आते हैं, जॉनसन के बाद फिर लिज ट्रस आ जाती है, लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनक आते हैं। तो यदि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी का 2025 में चेहरा होते हैं और यदि वो कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा चेहरा बनाए जाए और उसके बाद यदि चुनाव जीत लिया जाए वो उनके नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि यस, ब्रिटेन की जो जनता है वो ऐसे चेहरों को चुन सकती है, और यदि उदारवाद बात हो तो तब 2025 में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। लेकिन वहीं पर देखिए, यह जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके पीछे अंततः आप्रवासन की नीति है, और आप्रवासन की नीति जो है वो बहुत स्पष्ट है, जिसमें जो पूर्वी यूरोप या अफ्रीका से आने वाले जो लोग थे, देखिए ये जो विवाद शुरू हुआ 2011 की जनगणना के बाद शुरू हुआ, जब ये पता चला कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जनसंख्या 87% से घटकर 80% हो गई है, और जो 20% है विदेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके बावजूद बाद ये माना गया कि ब्रिटेन में रहने वाला हर आठवां आदमी जो है वो विदेश में जन्मा है। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि ईयू के साथ रहने से जो जर्मनी, जो सीरिया और यहाँ से जो लोग आने वाले हैं ब्रिटेन में किस प्रकार से हावी हो रहे हैं। अब देखिए, इस चिंता के कारण अंततः यही जो चिंता थी यही ब्रिटेन के ईयू से अलग होने का कारण बन गई। लेकिन जब ईयू से अलग हुआ तो जो ब्रिटेन के लोगों की जो आराम परस्ती है, देखिए उन्होंने
बहुत लूटा है अपने उपनिवेशों को, तो जो उनकी आराम परस्ती है और आराम परस्ती जैसे स्वास्थ्य के नाम पर उस देश में बहुत खर्च किया जाता है और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सरकार के द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। तो यदि स्वास्थ्य सेवाएं जो है अभी भी करीब 66 लाख लोग जो है वो वेटिंग में चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्रभावित हुई वैसे ब्रिटेन के लोग जो है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। अब इन सब में ऋषि सुनक बेशक प्रधानमंत्री तो बन गए हैं या बना दिए गए हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नीतियां क्या होती। अब देखिए जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने गृह मंत्री किसको बनाया, गृह मंत्री उन्होंने वापस ब्रेवरमैन को बना दिया, वही सुएला ब्रेवरमैन जो कि लीज ट्रस के समय में उन्होंने भारत के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि यदि भारत से संबंध मजबूत होते तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय यहाँ पर आके ज्यादा बसने लग जाए और यदि होगा तो ब्रेग्जिट के जो उद्देश्य खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि लीज ट्रस्ट के समय में यह जो आवाज उठाई थी लीज ट्रस्ट को भारी पड़ी, इस कारण में भारी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से ब्रेग्जिट के बाद जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है तो भारत से संबंध जो है उस देश के बहुत महत्वपूर्ण है और भारत से संबंध मजबूत होने के लिए जरूरी है कि वह मुक्त व्यापार समझौता हो जाए। अब कंजर्वेटिव पार्टी इतनी अंतर्द्वंद के शिकार हो गई है कि लीज ट्रस्ट या जॉनसन जैसे लोग भारत से मजबूत संबंध चाहते हैं लेकिन वो कह रही है कि भारत से आने वाले लोग यहाँ पर बस जाएंगे, तो मतलब 2020 तक का जो रोड मैप है वो तो संदेह में पड़ी गया है। लेकिन यहाँ पर ऋषि सुनक का बनना ऐतिहासिक तो है लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारत के साथ उनके संबंध कैसे होते हैं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन जब आया तो हमने बहुत खुशियां मनाई थी कि जो भारत है बाइडेन प्रशासन में भारतीयों को बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर बड़े पदों पर तैनात किया गया, कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति बन गई। लेकिन अब देखिए बाइडेन प्रशासन के पाकिस्तान से संबंध कितने मजबूत हो गए, तो हमें खुशियां मनाने के बजाय ऋषि सुनक की नीतियों पर ध्यान देना होगा। नेहा जी जी, और जैसे ब्रेवरमैन को गृह मंत्रालय सौंप दिया गया है तो ये प्रश्नचिन्ह जो है पहला ही स्टेप में नजर आ रहा है। प्रोफेसर राजीव लोचन, आपके पास आना चाहूंगी। एक ट्वीट किया है भारत के जाने माने जो व्यवसायी हैं आनंद महिंद्रा, उन्होंने लिखा है कि विंस्टन चर्चिल ने 1947 में स्वतंत्रता के मौके पर कहा था कि भारत के जो नेता है कम क्षमताओं वाले नेता साबित होंगे, और 75 वर्ष में अब जो भारतीय मूल के जो नागरिक है वही ब्रिटेन की जो है बागडोर संभाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सभी जो धड़ है सभी जो क्षेत्र है उनके लोगों में इस तरह की घटना देखी जा रही है कि ये भारतीयों का लोहा जो है माना है ब्रिटेन ने, और बेशक मजबूरी में ही सही लेकिन कमान सौंपनी पड़ी है। देखिए भारतीय लोग जो है ना बड़े भोले भाले टाइप के लोग होते हैं और चर्चिल जो बोल रहा था वो इसी के ऊपर इंगित कर रहा था कि इतने भोले लोगों के हाथ में किसी भी तरह की कोई भी कमान सौंपना कोई बड़ी अकल की चीज नहीं है। अभी भी आप देखिए तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की जो ये उत्साह दिख रहा है, जो खुशियां मनाई जा रही हैं, पहले बिडेन वाले समय में खुशियां मनाई गई, उसके भी पहले ट्रंप वाले समय में खुशियां मनाई गई, जो अजीब अजीब हमारे सीईओ चुन लिए जाते हैं लड़के लड़कियां उनके नाम पे हम खुशियां मनाने लगते हैं, हम ना छोटी छोटी बात पर भी खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। इसमें जो हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि वो लोग अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने हित के लिए काम करें, वो लोग हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब वो अपने हित के लिए काम करते हैं तो वो हमारे हित को नुकसान ना पहुंचाएं। दो हित, एक कि वो अपने मन से हमारे हित को ना नुकसान पहुंचाए, दूसरा कि यदि वो नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं तो हमारे में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उस नुकसान को रोक सके और हम उन्हें समझा सके, चाहे प्यार से चाहे दमदाटी से हम उन्हें समझा सके कि देखिए आप इस तरह का बिहेवियर हमारे साथ ना करें। इसमें खुशी मना रहे हैं, दुख मनाना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बेमानी है, इसे थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी से हमें लेना चाहिए। पर जैसा मैंने पहले कहा भारत के लोग छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं और अब जो उनके साथ हुआ होता है पूर्व में वो बातें बहुत तेजी से भूल भी जाते हैं और भविष्य की परिकल्पना करने लगते हैं कि बड़ा चमकता हुआ भविष्य होगा। भविष्य चमकता हुआ होता है, बनाया जाता है तब चमकता हुआ होता है, अपने आप को चमकता हुआ नहीं होता। ऋषि सुनक ब्रिटेन के निवासी हैं, ब्रिटिश सिटीजन हैं, ब्रिटेन के हितों के लिए काम करेंगे, जितना उन्हें समझ में आता है कि ब्रिटेन के हित हैं क्या हैं उसके हिसाब से वो काम करेंगे।
उसी तरह से जैसे कमला हैरिस जब काम करती हैं तो वो अमेरिका के हिसाब से काम करती हैं, इसमें ना उनका धर्म आड़े आता है ना उनका एथनिसिटी आड़े आता है, उनकी जो चीज ऑपरेशनल होती है वो उनकी सिटीजनशिप होती है। भारतीयों को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि भारतीय होना, भारतीय सिटीजन होना भारतीयों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बगैर भारतीयों का कहीं बेड़ा पार होने वाला नहीं। भारतीय होने के लिए, भारतीय सिटीजनशिप को मजबूत बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए यदि हमें भारत के नेताओं को ठीक से चुनना होगा तो हमें वो काम करते रहना होगा। ऋषि सुनक को लेकर हमें खुशी होने में कोई बहुत ज्यादा अकल की बात नहीं है। जी प्रोफेसर, ऐसे में जो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के प्रवासी हैं या फिर जो लोग हैं, उन्हें कितना खुश होने की जरूरत है? उन्हीं के समुदाय से निकलकर एक व्यक्ति सिर्फ मात्र 7 सालों में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना भारतीय समुदाय के लिए बेशक गर्व की बात है, और वो अपने लिए कुछ उम्मीदें पाल सकते हैं? देखिए, जो ब्रिटेन का भारतीय समुदाय है वो ब्रिटेन का भारतीय समुदाय है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे एंग्लो इंडियंस हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं, हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमारी फौज में काम करते हैं। हमारे यहाँ पारसी हैं, इसेंशियली ईरानी मूल के लोग हैं, पर भारत के लिए काम करते हैं, भारत के को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। भारत में बहुत सारे हिंदू हैं जो ये पुराने जमाने में माना करते थे कि उनके जो पूर्वज हैं वो कहीं सेंट्रल एशिया से या आर्कटिक से आए हुए थे, पर वो भी पिछले कुछ हजार सालों से केवल भारत की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हर देश के निवासी अपने देश को यदि ठीक बनाने की कोशिश करते रहें, अपने देश की उन्नति के लिए काम करते रहें, तो ये सबसे अच्छी चीज होगी। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय मूल के जो लोग उन देशों में बसे हुए, ब्रिटेन में बसे हुए हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो तो बहुत ही सक्सेसफुल कौम है। स्थिति मजबूत होगी भारतीय समुदाय की वहां पर। सक्सेसफुल लोग रहे जी। पहले से ये भी ख्याल रखना चाहिए, मैम एक सेकंड, हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कई देशों में भारतीय मूल के लोग बड़े बड़े नेता पद पे हैं, केवल ब्रिटेन और अमेरिका में ही नहीं, गायना में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, मॉरिशस में भी हैं, जमैका में भी हैं। तो हमारे लिए भारतीय मूल के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और पूरी दुनिया पे वो किसी ना किसी तरह से अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं तो लोग उन्हें चुनते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पर प्रोफेसर, लेकिन समझना चाहूंगी कि क्या भारतीय समुदाय की ब्रिटेन में स्थिति मजबूत हो गई है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फॉरवर्ड लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बातचीत हो रही है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, क्या उन्होंने अपना नेतृत्व का लोहा मनवा लिया है, वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हमारे साथ बने हुए प्रोफेसर राजीव लोचन, जाने माने इतिहासकार, साथ ही बने हुए विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपके पास आना चाहूंगी कि क्या आप समझते हैं कि ब्रिटेन में जो भारतीय समुदाय रह रहा है उनकी स्थिति पहले से काफी मजबूत हो जाएगी? लेकिन आज बेशक भारत के जो लोग हैं करीब 16 लाख लोग वहां पर रहते हैं और उनकी स्थिति मजबूत होगी। दूसरी बात यह भी है कि जो भारतीय व्यापारी है वो ब्रिटेन में इसलिए बसते हैं क्योंकि यूरोप का द्वार समझते हैं ब्रिटेन को। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो ऋषि सुनक ने कहा कि हम रोजगार जो है उसमें वृद्धि करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो भारतीय कंपनियां वहां पर काम करती हैं उन्होंने ब्रिटिश लोगों को लाखों रोजगार दे रखे हैं। तो इस दृष्टि से बेशक यदि आप कहीं पर विदेश में होते हैं और आपका कोई नुमाइंदगी करने वाला शख्स यदि देश के सर्वोच्च पद पर बैठता है तो यह आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और यह न केवल ब्रिटेन की दृष्टि से लेकिन पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ब्रिटेन का प्रभाव है वो भले ब्रेक्जिट हो जाए, ईयू से अलग हो जाए, लेकिन ब्रिटेन का प्रभाव जो है वो यूरोपियन यूनियन पर भी है, ब्रिटेन का प्रभाव जो है वो अमेरिका पर भी है, और ब्रिटेन का प्रभाव दूसरी जगह पर भी है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर न केवल जो भारतीय उनका मनोबल बढ़ेगा लेकिन भारत की दृष्टि से भी बेहतर हो सकता है। वह इसलिए हो सकता है क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो नीतियां हैं या जो बोरिस जॉनसन से शुरू हुई थी उसके अनुसार वो न केवल आर्थिक मोर्चे पर लेकिन
जो सुरक्षा के मोर्चे पर है वो उसमें भी भारत से बेहतर संबंध चाहते हैं, खासकर जो ब्रिटेन की जो नजर है, भारत ब्रिटेन की नजर जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर है, और इस क्षेत्र के जो 38 देश है उसमें तकरीबन दुनिया की 65% आबादी रहती है। यह तो जो आबादी यहाँ पर ब्रिटेन जो चूंकि यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तो ब्रिटेन चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो देश है वहां से उसको मदद मिले। अब ऐसे में ब्रिटेन क्वाड की ओर देख रहा है, या जो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो अमेरिका ने बनाया हिंद प्रशांत क्षेत्र का, उसमें देख रहा है जिसमें भारत की अहम भागीदारी है। तो जब भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे, भारत से सामरिक संबंध बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका न केवल भारत को लाभ मिलेगा, इसका ब्रिटेन को लाभ मिलेगा, लेकिन इससे भारतीय समुदाय के हौसले भी बुलंद होंगे। दूसरी बात यह भी है कि जो भारत की बड़ी पसंद है, भारतीय युवाओं की बड़ी पसंद है ब्रिटेन में पढ़ना, ब्रिटेन में पढ़ना चाहते हैं, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज हो, तो भारतीय जो है वो जाते हैं वहां पर। और यहाँ पर एक बात और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो ऋषि सुनक के बनने से जो सबसे बड़ा लाभ हो सकता है, दरअसल जो कनाडा है, कनाडा पिछले कई सालों से भारत के लिए एक समस्या का सबब बना हुआ है, क्योंकि वो खालिस्तान का घर बन गया है। अब कनाडा में जो भारत विरोधी आवाजें उठती रही है, तो वहां पर अभी तक जो ब्रिटेन का जो रुख रहा है वो चेक एंड बैलेंस्ड कर रहा है, चाहे लंदन में ले लें या जो पिछले दिनों विवाद भी हुए, तो ब्रिटेन से वैसी मुखरता से चीजें सामने आ नहीं रही थी। लेकिन ऋषि सुनक के बनने के बाद हो सकता है कि जो खालिस्तानी तत्व जो वहां पर प्रमुखता से हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि ऋषि सुनक कर ही देंगे, क्योंकि कोई भी जो प्रधानमंत्री अपने देश की नीतियों को बेहतर करने पर ध्यान देगा, लेकिन अभी वो शायद उतना उस पे नहीं जाए कि प्रमुखता जो है, प्राथमिकता जो है अलग होगी। एक छोटा यहाँ पे एक कॉल लेना चाहेंगे, कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका से टॉक में। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संजय पाठक जी, और मैं अमेरिका में रहता हूँ 40 साल से जी। तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर मैं जो बोलना चाहता था कि अभी देखिए यहाँ पे कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, या जो ऋषि सुनक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जी। तो इससे हम लोगों को, मतलब भारतीयों को या प्रवासी भारतीयों को, इनके इतने बड़े पोस्ट पर पहुँचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है जी। क्योंकि ये वो जो है जिस देश में है, जिस देश में वो चुने गए हैं जी, उनकी श्रद्धा उनकी सोच उसी देश के लिए रहती है जी। इसमें वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, या भारत मेरे पास माँ बाप भारत से हैं, तो मैं भारतीयों को कुछ मदद करूँ या भारत की तरफ झुकूं, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे जिस शहर में रहता हूँ उसका नाम है शार्लोटसविल वर्जीनिया। यहाँ पे अपने भारत के मूल के सत्येंद्र हुजा 2 बार मेयर बने, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि कोई यहाँ पे भारतीय है वो मुसीबत में है, तो क्योंकि मैं भारतीय हूँ तो मैं उसको कुछ मदद करूँ। ये उनकी जो नीति होती है गवर्नमेंट की, उसी को फॉलो करते हैं। तो जो अगर हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि वो भारत मूल के हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उससे भारत को कुछ फायदा होगा या भारत के लोगों को कुछ फायदा होगा, ये सोचना गलत है। क्योंकि वो जो भी नीतियां उस देश की है, उस देश की जो राजनीति है, वो उसी को फॉलो करेंगे। और हाँ, मन में रहता है, अभी जैसे अपन अभी दिवाली हुई, दशहरा हुआ, तो वो अपने घर में उसको श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं सोचता हूँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे कॉलर जो संजय पाठक कह रहे थे कि उनका क्या मानना है कि और उनका क्या अनुभव रहा है, वो वर्जीनिया के बारे में बता रहे थे। तो प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपने जो बातें कही हैं कि खालिस्तान वाली बातें, वो तो मुझे लगता है कि बहुत समय उस पर लगेगा, लेकिन इतना समय जो है वो ऋषि सुनक के पास शायद नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक चुनौतियाँ जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा विकराल हो रही है ब्रिटेन में। प्रोफेसर
राजीव लोचन आपके पास आना चाहूंगी कि अभी जो हमारे कॉलर हैं उन्होंने एक बात यहाँ पर रखने की कोशिश की कि भारतीय समुदाय जो बाहर रह रहा है वो इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहा है, उन्हें कोई उम्मीद या फिर वो अपनी स्थिति में कोई जो है बदलाव नहीं देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बेशक भारतीय मूल के लोग जो है किसी बड़े पद पर आसीन हो लेकिन वो पार्टी की जो लाइन है उस पर ही बने रहते हैं, उसे हट कर वो अपने समुदाय के लिए कुछ करें ऐसा नहीं देखा जाता है। जी देखिए पाठक साहब ने जो बात कही वो तो बिल्कुल सही बात है ना, वही प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 1960s तक जो हिंदुस्तानी मूल के लोग थे इन्हें इंपीरियल जो उनका राजा का महल था उसमें क्लरिकल जॉब्स में नहीं रखा जाता था, केवल झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा जाता था, ये कानून था उनके यहाँ। 1970s तक ब्रिटेन में जजेस ने जजमेंट्स पास किए हुए लिखित में दिया हुआ है, कहा है कि 1970s तक ब्रिटेन में एक हॉबी हुआ करती थी कि हिंदुस्तान के लोगों की पिटाई करे, सफेद लोग आके हिंदुस्तानियों की पिटाई करे। देखिए वो समाज बदल गया है, वो समाज बेहतर हो गया है। इस तरह का वैश्विक बिहेवियर, इस तरह का घटिया बिहेवियर आपको हिंदुस्तान में 1947 के दंगों के बाद देखने को नहीं मिलता, और वहां भी जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि किस तरह से हिंदुस्तानी एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करता है। अच्छा ये बात जरूर है कि हर किसी को गर्व होता है कि भाई हमारे जैसा कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है, तो उसके अलावा बाकी रही राजनीति की बातें समाज नीति की बातें, वो तो हर समाज की अपने ही धर्रे पर चलती हैं। तो हमें हिंदुस्तान के लिहाज से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान के आइडियाज को, हिंदुस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मान के चलना है। यदि हम ये मानने लगे, जैसा कि ऋषि सुनक के चुनाव के बाद हुआ, बहुत सारे लोगों ने अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर दी कि जी हिंदुस्तान में कब माइनॉरिटी का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा या प्रेसिडेंट बनेगा, यानी ये बिल्कुल बेवकूफी की किस्म की बातें होती है। हमारे जो लोग हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, बड़े भोले से लोग हैं, बड़ी आसानी से एक दूसरे को गाली निकालना शुरू कर देते हैं और बड़ी आसानी से एक दूसरे से खुश हो जाते हैं, जी इंप्रेस हो जाते हैं। देखिए अच्छा जी एक कॉलर जुड़े, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद नेहा जी। देखिए आज प्रधानमंत्री जो यूके के बने हैं ऋषि सुनक जी, उनकी जीत के बारे में मैं दो शब्द बस ये कहना चाहूंगा, एक आज का पल और एक कल क्या होगा। तो आज का पल जो है वो यहाँ भारतीय बहुत इसका आनंद ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये तीन खुशी के मौके इकट्ठे आ गए हैं। एक तो भारत की जीत हुई T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बहुत लोगों ने एंजॉय किया, और ये दिवाली पे हुआ, और उसी समय इनके ऋषि सुनक जी के जो है वो जीत का जो समाचार आया अपॉइंटमेंट का, तो इसलिए यहाँ पे समुदाय में वो खुशी है। लेकिन ये खुशी जो है ये बड़े सिविलाइज वे में ले रहे हैं कि ये खुशी एक हमारी कम्युनिटी की इस लिहाज से है कि ये जैसे कि जैसे हमारी कम्युनिटी के लोगों ने, किसी ने मेहनत की सारी जिंदगी, आज मेहनत करके उसको सफलता मिल रही है और वो हम सबसे थोड़ा ऊंचे हो गए हैं, तो इसके लिए हमें उनको बधाई देनी चाहिए। तो ऋषि सुनक जो है वो और उनकी बीवी, उनके बच्चे, वो बधाई के पात्र हैं। दूसरा, ये तो आज की बात है, आने वाले कल के बारे में वो यहाँ एनालाइज ये करते हैं हम सब लोग कि देखिए ऋषि सुनक यहाँ स्टैनफोर्ड के डॉक्टरेट है, उनकी एजुकेशन और उनका यूके का एक्सपीरियंस वो देखिए एक लाइन में है, वो इकोनॉमिस्ट है बाय प्रोफेशन, बाय थिंकिंग, बाय हिज लॉजिक्स। और आज उन्होंने सबसे पहला जो व्यक्तित्व दिया है वहां पे लंदन में वहां की जनता को, वो भी उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर ही दिया है, उन्होंने कोई उसमें पॉलिटिक्स, कोई उसमें इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात नहीं की, कोई ब्रेक्सिट की, उन्होंने मोटे मोटे तौर पे उस इकोनॉमिक
इकोनॉमी की बात की है जो कि एक लोकल इकोनॉमी है, जो वहां की इकोनॉमी है। आज ब्रिटिशर्स को उन्होंने ये दिलासा दी है कि तुम्हारा पीनट बटर जेली जो तुम सुबह ब्रेकफास्ट खाते थे, अगर अब 3 गुना महंगा हो गया है तो उम्मीद है उस पीनट बटर जेली की कीमत हम घटाएंगे। उसने यही कहा कि हमारे वर्ड्स नहीं, मेरे एक्शंस जो है, मेरे एक्शंस से आपको नतीजा पता चलेगा। और देखिए, आप देखेंगे जी कि ये ऋषि सुनक जो है, जिस तरह उनकी बच्चियां स्कूल जाती हैं, जिस तरह वो एक डाउन टू अर्थ एक एक्शन ओरिएंटेड यंग ग्रेजुएट है, मैं उनको ग्रेजुएट ही कहूंगा क्योंकि अभी उनको यहां से ग्रेजुएट किए यूनाइटेड स्टेट्स से भी 10 साल ही हुए हैं, तो उनकी जो अप्रोच है बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक प्रैक्टिकल है, जो हर एक को टच करती है। तो बेसिकली वो इकोनॉमी को उन एस्पेक्ट्स को टच करेंगे, बड़ी कॉरपोरेशंस को नहीं, बल्कि उनको जिसका आम जनता के ऊपर असर पड़े। वहां के पावर के जो रेट्स हैं हर महीने के बढ़ चुके हैं, वहां की जो है ट्रांसपोर्टेशन के रेट, लोकल जो है जो ट्यूब है वहां की लंदन की, उसके रेट बढ़ गए हैं। तो ये जो चीजें वहां के करोड़ों लोगों को हर रोज दुखती है, उन दुखती रग के ऊपर जो इन्होंने, ऋषि सुनक ने आज हाथ रखा, इन्होंने वो जो इशारा किया है उसकी तरफ कि हम आज के कर्जे अपने बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं कि काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज तो हमको ऐश करवा देती हैं, आज हमें फ्री फंड में बोनस दे देती हैं, लेकिन उसका कर्जा हमारे अगली जनरेशन के ऊपर जाएगा, तो वो ये ऐसा नहीं होने देंगे। तो बस ये जो इनकी जो सिंपलिस्टिक अप्रोच है जी, उसके ऊपर आने वाले कल में भारतीयों को उम्मीद है एस्टेब्लिश हो गए तो आगे हमारे देश के लिए भी अच्छे रहेंगे। धन्यवाद नेहा जी, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय। तो ये हमारे एक कॉलर, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज बात हो रही है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपके पास आना चाहूंगी कि आपने सुना जो हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमिस्ट को जो है ब्रिटेन ने अपना प्रधानमंत्री चुना, और पहले ही वक्तव्य में सुनक ने जो बातें कही हैं वो कही हैं कि वो कर्ज जो है वो उससे आज़ादी दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ इस स्टेटमेंट को, कि कहीं ना कहीं सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलने की जो बात उन्होंने रखी है कि एकता पर उनका बल रहेगा, मानवता पर उनका बल रहेगा, तो ये एकता वो क्या प्रवासी भारतीय हो सकते हैं? क्योंकि अगर ब्रेवरमैन की बात, जैसा कि आपने ये मसला उठाया कि उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया है, तो हम क्या समझे कि भारतीय प्रवासियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं रहेगी, आने वाले समय में पता चलेगा? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वो राजनीति से ज्यादा अर्थ बेहतर करने के लिए बनाए गए हैं, इसमें कोई गुरेज होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ऋषि सुनक है वे राजनीतिज्ञ से ज्यादा व्यापार करने वाले इंसान है, व्यापारिक के तौर पर उनकी पहचान है। ठीक वैसे जैसे जो ट्रंप थे, ट्रंप एक बेहतर राजनीतिज्ञ तो नहीं थे लेकिन वो बेहतर व्यवसायी जरूर थे और उनकी नीतियों में प्रतिबिंबित भी हुआ। लेकिन वहीं पर देखिए, ऋषि सुनक के बनने से निश्चित तौर पर जो ब्रिटेन है वहां पर जो प्रवासी है या जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वहां की राजनीति का वो बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात यह भी है कि दुनिया भर के जो विकासशील देश है या जो पिछड़े देश है, अति पिछड़े देश है, उनका एक बड़ा तबका दुनिया भर में रहता है, और वहां से जो क्रीम निकलता है वो अंततः ब्रिटेन जैसे जो राष्ट्र है या यूरोपियन राष्ट्रों की ओर देखता है, और उसमें ब्रिटेन नंबर वन पर है, जहां पर जाना लोग अमेरिका ब्रिटेन में जाना पसंद करते हैं। अब यदि जो कल्पना कीजिए कि भारत के जो लोग हैं उनको ब्रिटेन आने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो सबसे ज्यादा उन लोगों का जो मॉरल डाउन हो सकता है, उन युवाओं का हो सकता है जो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर
ऋषि सुनक के बनने के बाद बेशक वो अर्थ को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्तिगत तौर पर जैसे हमारे कॉलर है जिन्होंने कहा भी कि उनकी नीतियां जो है वो देश के लिए होती है, लेकिन ब्रिटेन जो है उसमें भारतीयों को क्या लाभ मिलेगा या अमेरिका में क्या लाभ मिलेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति किसी विदेश में किसी बड़े पद पर जाता है तो न केवल उस व्यक्ति के लिए लेकिन हम जो भारतीय करोड़ों भारतीय है उनका मॉरल भी बूस्ट होता है जी, और भारतीय समुदाय का भी होगा, उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस का जो है वो सामना नहीं करना पड़ता। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, एक छोटी सी बात उनकी सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी जी, मैं यही कह रहा था, सिर्फ दो लाइन में बात खत्म करूंगा जी, कि हमें पता नहीं क्यों ये हो जाता है कि कई दूसरी कंट्री में अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गया है या कोई बड़ी पोस्ट पे चले गया है, हम के एक्सपेक्टेशन यहाँ इंडिया में बैठे क्यों बन जाती हैं? उन्होंने जो भी बने वो उनकी अपनी कंट्री के लिए वो करेंगे, जो भी सोच रखेंगे वो अपने देश के लिए करेंगे। हालांकि जरूर इंडियन जरूर है, लेकिन उनकी जो ब्रेड एंड बटर वहां पर वो होती है तो वो उसी के लिए लॉयल होंगे या ना के भारत के लिए। भारत को चाहिए कि खुद इतना डेवलप करे। 75 ईयर्स हो गए हैं, कई कंट्री हमारे बाहर के बाद आजाद हुए हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। इंडिया को खुद चाहिए इतना तरक्की करे दूसरे मुल्क ये सोचे कि ये हम भारत से कुछ मदद मिले, भारत से कुछ सहायता मिले, हम अपने आप को डेवलप अच्छी तरीके करना चाहिए, ये मेरा यही कहना है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जितेंद्र वालिया ये बात रख रहे थे कि भारत मदद करने की पोजीशन में आए और तब बात बनती है। प्रोफेसर राजीव लोचन, जिस तरह से हमारे कॉलर ने कहा कि भारत से मदद की उम्मीद, तो मुझे लगता है कि अभी तो भारत इस पोजीशन पर है कि भारत से मदद की उम्मीद और FTA जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ब्रिटेन का, वो शायद इसी उद्देश्य से लाया गया था कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से भारत की मदद चाहिए, वहाँ पर जिस तरह से महंगाई है या फिर जो इंडस्ट्रीज है काम काज करने के लिए, ब्रिटेन भारत को एक आर्थिक तौर पर एक बड़े साझेदार के रूप में देख रहा है। राजीव लोचन, देखिए ब्रिटेन भारत को आर्थिक साझेदार के रूप में हर वक्त देखता रहा है जी। भारत के जो लोग हैं बड़ी भारी मात्रा में ब्रिटेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, कई ट्रिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन बोले तो कई बहुत सारे शून्य लगते हैं, मेरे ख्याल से 13 शून्य लगते हैं तब जाके ट्रिलियन बनता है, कई ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हायर एजुकेशन के सिलसिले में देते हैं। ब्रह्मदीप जी ने कहा था कि भारत के लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो वो हर वक्त जाते रहेंगे, भारत के लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाएंगे उनको ब्रिटेन के लोग गले लगाएंगे। जो व्यक्ति भारत से जाता है, जो हमारा लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला कॉलेज में केवल इसलिए दाखिला लेता है कि उसे ब्रिटेन या कनाडा में जाने का मौका मिल सके और वहां किसी छोटे से कॉलेज में या छोटे से पॉलिटेक्निक को ज्वाइन कर ले, वो लोगों की संख्या है जो कि हमारे यहाँ से पैसा साइफन आउट करता है। तो ब्रिटेन के साथ जो हमारी रिलेशनशिप रही है, आर्थिक रिलेशनशिप रही है, वो बड़ी लो एंड वाली रिलेशनशिप अभी तक बनी रही है। आने वाले समय में इसमें कुछ सुधार होने की संभावना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि ब्रेक्सिट के कारण यूरोप का मार्केट ब्रिटेन के हाथ से निकलता सा नजर आ रहा है, तो भारत का मार्केट ब्रिटेन के लिए काम आएगा और भारत के जो लोग हैं वो वहां जाके मेहनत मशक्कत का काम करने में ज्यादा आसानी हो सकती है उनके लिए। पर यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो पुराने जमाने में 1970s में हुआ करता था कि भारतीयों के लेटर बॉक्स में वो शिट डाल दिया करते थे, ये वाली प्रक्रिया इसको भी शुरू होने में कोई देर ना लगेगी। पीछे जब समय में आपने बार बार समुदायों का जिक्र किया, पिछले कुछ सालों में समुदायों को लेके बड़ा ट्रेनिंग दिया जाता था ब्रिटेन में कि अलग अलग समुदाय के लोगों को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से ज्यादा पोलाइट तरीके से जिनके साथ ब्रिटेन का स्टेट डील कर सके, वो पूरी प्रोसेस खत्म कर दिया ब्रिटेन ने पिछले एक साल में, समाप्त हो गया सिस्टम बंद कर दिए हैं जी। समय समाप्त हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर राजीव लोचन आपका और साथ ही प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इस चर्चा से हमने ये समझने की कोशिश की कि भारतीय समुदाय जो ब्रिटेन में रह रहा है उसे कितना खुश होना चाहिए और भारत को कितना खुश होना चाहिए कि एक भारतीय मूल का जो नागरिक है वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। क्या भारत के लिए आर्थिक रूप से या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए इसमें कुछ संभावनाएं या फिर सकारात्मक नतीजे सामने निकल कर आ पाएंगे, क्योंकि चुनौतियां ऋषि सुनक के सामने भी विकराल है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। जस्ट टीवी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।